उन घर खरीदारों के लिए एक आशा की नई किरण जगी है जिन्हें अटके हाउस प्रोजेक्ट्स के चलते फ्लैट की चाबी नहीं मिल पा रही है। दरअसल सरकार ने मुश्किल में पड़े ऐसे घर खरीदारों की सहायता हेतु अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने पूरे देश में अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को चिन्हित करके जितना जल्द हो सके डिलीवरी सुनिश्चित करने के उपाय करने शुरू कर दिए हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देशित किया है कि वे अति शीघ्र अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की सभी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। संबंधित मंत्रालय ने नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत के नेतृत्व में अप्रैल महीने में 14 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी का वास्तविक उद्देश्य अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की विस्तृत जांच करके ऐसे उपाय सुझाना जिससे कि घर खरीदारों को फ्लैट की डिलीवरी की जा सके। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी का मई महीने में एक बयान आया था कि जांच कमेटी तीव्र गति से काम कर रही है और शीघ्र ही अटके प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए अपनी सिफारिशें पेश करेगी। गौरतलब है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के निर्देश के बाद देश की राज्य सरकारें संबंधित अधिकारियों के पास उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त घर खरीदारों के संगठनों से भी संपर्क साध रही है। फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स दैट इज FPCE के प्रेसिडेंट्स अभय उपाध्याय का कहना है कि सरकार का ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जिसकी काफी समय से कमी महसूस की जा रही थी। मंत्रालय के इस कदम से देश भर में अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की विस्तृत जानकारी एकत्र की जा सकेगी। इस तरह की और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।